अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट कलेक्शन। आज आपके लिए कर आए हैं प्री क्लासरूम से रिलेटेड कलर्स के आइडियाज़ के हम उन्हें किस तरह कलर्स की लर्निंग दे सकते हैं, किस तरह क्लासरूम में कलर्स की डेकोरेशन कर सकते हैं ताकि हम उन्हें कलर्स के बारे में बता सकें, उन्हें रीडिंग करवा सकें। वन बाय वन हम उन्हें एक एक कलर के बारे में बताएंगे, येलो, रेड, वाइट, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, ये किस तरह के कलर्स होते हैं और ये हम किन किन में फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही इजीली और बहुत ही आसान डेकोरेशन के आइडियाज़ हैं कि आपने किस तरह अपनी क्लासरूम में कलर्स के थीम को डिस्प्ले करना है, किस तरह उनकी वर्डिंग लिख के लगानी है। आप फॉर्मिंग शीट की मदद से कर सकते हैं या कोई भी चार्ट पेपर, या आप इजीली इंटरनेट से प्रिंट भी कर सकते हैं। कोई भी फीचर्स बना लें, आइसक्रीम स्टिक्स के साथ बना लें या पेंसिल के थीम से बना लें, बर्ड्स की शेप में बना लें, स्टूडेंट्स की जो पेंसिल्स हैं उसकी शेप में बना लें। आप आसानी से वो काम कर लें जो कि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है और उनसे उनकी लर्निंग में भी मदद मिलती है। वन बाय वन क्लासरूम में हर एक एक कलर के बारे में हम बताते जाएँ ताकि स्टूडेंट्स को ईजीली समझ आ सके। अगर आप जिस कलर के बारे में उन्हें बता रहे हैं उस कलर की एक्टिविटी प्लान करें उसके साथ ताकि स्टूडेंट को समझने में और आसानी हो। अगर आप उन्हें ग्रीन कलर के बारे में बता रहे हैं तो ग्रीन से रिलेटेड जो जो आर्टिकल्स या जो जो फ्लैश कार्ड आपको मिलते हैं आप उनके बारे में उन्हें बताएं, उन्हें दिखाएं, साथ में बोर्ड में डिस्प्ले करें ताकि वो इजीली समझ सकें कि ग्रीन कलर किस किस चीज़ में हमारे लिए यूज़ होता है। फ्लैग हो गया, बर्ड हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ग्रीन से रिलेटेड है आप स्टूडेंट्स को वो दिखाएं ताकि वो और समझ सकें। इसके आसानी के लिए आप कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं या स्टूडेंट्स के सामने कोई भी एक ऐसा बॉक्स रख सकते हैं जो कि तमाम कलर से रिलेटेड हो और वन बाय वन स्टूडेंट्स से कहें कि वो उसमें फिलअप करते जाएँ। या किसी दिन आप कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, कोई एक वर्कशीट के थ्रू आप कोई चीज़ दें ताकि वो उसमें कलर करें। कोई येलो कलर की एक्टिविटी प्लान कर लें, ग्रीन कलर की कर लें, रेड कलर की कर लें। स्टूडेंट एक्टिविटी से ज़्यादा सीखते हैं, सो ट्राई करें कि अगर आप उन्हें कलर्स के बारे में बता रहे हैं तो इसके साथ साथ कोई भी एक्टिविटीज़ प्लान कर लें ताकि वो आसानी से इसको सीख सकें, इनको ईजीली भी रिकॉल कर सकें। आप इसके साथ साथ इन्हें फ्लैश कार्ड की मदद से भी पढ़ा सकती हैं। फ्लैश कार्ड की मदद से स्टूडेंट ज़्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की और मोर इफ़ेक्टिव वीडियोस के साथ फिर हाज़र होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।